हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ड सीरीज का 26 पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि डाई शीटियान और डार्क सोल्स हेवन में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और गुआन भी कुछ सोचकर उनका साथ दे रहा है। हेवन को बचाने वाला कोई नहीं है क्योंकि बाकी देवताओं के साथ साथ शीगुओ भी फ्लोटिंग प्रिजन में कैद है और इधर मंकी किंग यान से मिलकर वापस लौट रहा है। तभी वो एक प्रिजन को नीचे की ओर मूव करते हुए देखता है और पता चलता है कि ये शीगुओ की प्रिजन है जिससे मिलने डाई शीटियान वहाँ आया है। शीगुओ उससे कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे और मैं भी काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था। वो उससे उसकी बेरुखी का कारण पूछता है और डाई शीटियान बताता है कि तुम्हें कैद करना मेरी मजबूरी थी और आज मैं यहाँ तुम्हें सब कुछ बताने आया हूँ। तब शीगुओ कहता है कि ये जानना तो मेरा हक बनता है क्योंकि मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था। और फिर वो उसे असुरों के साथ हुई अपनी बैटल की याद दिलाता है। डाई शीटियान भी उससे एग्री करता है और हम एक फ्लैशबैक में 300 साल पुरानी उस बैटल को देखते हैं। घायल होते हुए भी डाई शीटियान असुरों का अच्छे से मुकाबला कर रहा था और इसमें उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी तलवार, जिसे सब स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस के नाम से बुलाते थे। लेकिन यहाँ उसने उस तलवार को खुद से अलग कर दिया और अकेले ही लुओ हाओ का मुकाबला करने पहुँच गया। अगर शीगुओ बीच में नहीं आता तो उस दिन डाई शीटियान का बचना बहुत मुश्किल था और वो भी ये बात अच्छे से जानता था। प्रेजेंट में वो शीगुओ को उसकी बेड़ियों से आजाद करा देता है और बोलता है कि मुझे वो पल अच्छे से याद है। शीगुओ कहता है कि वो हमारी लाइफ की सबसे हार्ड बैटल थी और अच्छा हुआ कि हम वहाँ से सही सलामत आ गए। लेकिन डाई शीटियान ऐसा बिल्कुल नहीं मानता और कहता है कि तलवार छोड़ना मेरी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि वहाँ जो घाव मुझे मिले उससे मैं कभी नहीं उभर पाया और उसने मेरे कॉन्फिडेंस की भी धज्जियाँ उड़ा दी और मुझे लगा कि अब मैं हेवन को लीड करने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। शीगुओ भी इन सब से बिल्कुल अनजान था और तब डाई शीटियान उसे बताता है कि मैं भला खुद को कमजोर साबित कैसे कर सकता था और इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम से खुद ही निपटने की सोची। फिर वो अपनी डार्क पावर का एक नमूना उसे दिखाता है और बताता है कि ये मुझे हर दुख दर्द से दूर रखती है और इसका अपना एक अलग ही नशा है। शीगुओ समझ जाता है कि ये सब उसके तलवार को छोड़ने के बाद हुआ है और वो डाई शीटियान के लिए उसे वापस लाने को कहता है ताकि वो इस डार्क पावर का मुकाबला कर सके। लेकिन डाई शीटियान इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि अब मुझे उस तलवार की कोई जरूरत नहीं है। इस पर शीगुओ कहता है कि तब तो मुझे तुम्हें खुद ही रोकना होगा क्योंकि मैं डार्क पावर्स को हेवन पे कब्जा नहीं करने दे सकता। और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। डाई शीटियान इसे उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग बताता है और कहता है कि तलवार के अलावा मेरे पास एक दूसरा उपाय भी है जिससे मैं डार्क पावर से छुटकारा पा सकता हूँ। वो सैन किंग नाम के एक टेम्पल में जाना चाहता है ताकि अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और कहता है कि मैं अब हेवन का राजा बनने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ और चाहता हूँ कि मेरी जगह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम संभाल लो। शीगुओ भी ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि काश ये प्रॉब्लम तुमने मुझे पहले ही बता दी होती तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। वो उसे सैन किंग टेम्पल में आने वाली मुश्किलों के लिए भी वॉर्न करता है क्योंकि ये रास्ता बहुत ही पेनफुल होने वाला है और कहता है कि तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे यहीं रहकर खुद को हील करने की सलाह देता है और प्रॉमिस करता है कि मेरे होते तुम्हारा राज कोई नहीं जान पाएगा कि तुम डार्क सोल्स के कब्जे में हो। डाई शीटियान भी उसकी दोस्ती देखकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि शीगुओ उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फिर वो उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है और इससे पहले कि शीगुओ को समझ पाए वो उसके हाथों की एक खास जगह को दबाता है जिससे अचानक शीगुओ की सारी ताकत खत्म हो जाती है और डाई शीटियान अपनी डार्क तलवार से उसे भेद देता है। शीगुओ को भी इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और तब डाई शीटियान उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे देवता को मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि हेवन में सिर्फ तुम ही मेरी ताकत का मुकाबला कर सकते हो। वो उसके भोले भाले नेचर का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हें एक डार्क पावर का विश्वास नहीं करना चाहिए था। फिर उसके छोटे से धक्के से शीगुओ दूर जा गिरता है और डाई शीटियान कहता है कि तुम जैसे लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते और यही बात डार्क पावर्स को तुमसे अलग बनाती है। वो उसे हेवन पर कब्जे के अपने प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि मेरे प्लान को सिर्फ तुम ही रोक सकते थे लेकिन अब मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं है। शीगुओ उसे एक बार फिर वॉर्न करता है कि ये जिद तुम्हारी तबाही का कारण बन सकती है लेकिन डाई शीटियान कहता है कि अब मैं एक नया हेवन बनाने वाला हूँ और तुम इसे देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे।
फिर वो अपनी एक तलवार को उसे खत्म करने को भेजता है, लेकिन देखता है कि एक गोल्डन स्टिक ने आकर उसे बचा लिया है, जो और किसी की नहीं बल्कि मंकी किंग की है। और डाइशिटियान भी उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। शीगुओ भी मंकी किंग को नोटिस करता है कि बेशक उसकी अपीयरेंस थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन इससे उसके एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा। डाइशिटियान उससे दोबारा यहाँ आने का कारण पूछता है और मंकी किंग बताता है कि मैं यहाँ तुम्हारे पापों की सजा देने आया हूँ। आगे वो कहता है कि तुम्हें इंसाफ और भलाई की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डार्क सोर्स तो इंसानों को ही अपना खाना समझती हैं। वो उसे एक सेल्फिश राजा बताता है और कहता है कि तुम्हारे होते हेवन में कभी शांति नहीं आ सकती। ये सुनकर डाइशिटियान गुस्से में उस पर अटैक करने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ शायद मेरे हाथों मरने के लिए ही आए हो। लेकिन इन अटैक्स का मंकी किंग पर कोई असर नहीं होता और वो भी पलटकर डाइशिटियान पर वार करने लगता है। डाइशिटियान समझ जाता है कि वो इसे हल्के में नहीं ले सकता और उस पर अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का अटैक करता है। मंकी किंग खुद को उससे बचाने में लग जाता है, लेकिन डाइशिटियान कहता है कि तुम इससे बचकर कहीं नहीं जा सकते। तभी हम शीगुओ को आते हुए देखते हैं, जो कहता है कि अब मैं तुम्हें और तबाही नहीं मचाने दूंगा, और फिर उसके एक ही पंच से डाइशिटियान दूर जा गिरता है। मंकी किंग मदद करने के लिए उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन देखता है कि शीगुओ की हालत बहुत खराब है। शीगुओ उसे वहाँ से भागने को बोलता है, लेकिन मंकी किंग उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। आगे हम डाइशिटियान को देखते हैं, जिसने उस अटैक से खुद को संभाल लिया है और वो प्लान बनाता है कि मैं मंकी किंग को एक प्यादे की तरह यूज कर सकता हूँ। फिर वो फ्लोटिंग प्रिजन की बेड़ियों को तोड़ डालता है, जिससे वो उड़कर दूर जाने लगती है और कहता है कि वैसे भी इनमें ज्यादातर उसके दुश्मन ही कैद हैं और अब हेवन को उनकी कोई जरूरत नहीं है। आगे का सीन हेवन का है, जहाँ अचानक से खतरे वाली घंटी बजने लगी है और ये सुनकर देवताओं के साथ साथ डार्क सोल्स भी चौंक जाते हैं। सोल्जर्स अपनी पोजीशन लेने लगते हैं और हम देखते हैं कि मंकी किंग भी शीगुओ के साथ यहीं आ पहुँचा है। शीगुओ उसे एक बार फिर वॉर्न करता है कि तुम्हारा यहाँ रहना बहुत खतरनाक है, लेकिन मंकी किंग कहता है कि मैं यहाँ एक जरूरी काम निपटाने आया हूँ और वो किए बिना मैं वापस नहीं जा सकता। फिर वो आगे पैलेस की ओर जाने लगता है और सोल्जर समझ जाते हैं कि यही वो घुसपैठिया है जिसके कारण खतरे की घंटी बजी है। वो सब उसका पीछा करने लगते हैं और पता चलता है कि हेवन के फ्लाइंग शिप्स भी उनकी मदद करने आए हैं। मंकी किंग को ये देखकर बहुत मजा आता है और वो कहता है कि पुराना बदला लेने का वक्त आ गया है। यहीं एक शिप पर हम गुआन को देखते हैं और एक सोल्जर उसे बताता है कि मंकी किंग हेवन में दोबारा आ गया है और हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुआन सबसे पहले सिविलियंस को बाहर निकालने को बोलता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ डाइशिटियान आ जाता है और कहता है कि एक बंदर ने हेवन में तबाही मचा दी है, तो तुम उसे रोकने के लिए क्या कर रहे हो। तब गुआन अपने सोल्जर से पूरी ताकत लगाने को कहता है और बताता है कि जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसे रोकने आऊंगा। तभी वो देखते हैं कि मंकी किंग उनके एक शिप तक जा पहुंचा है और हमेशा की तरह तबाही मचा रहा है। फिर वहां से निकलकर वो दूसरे शिप तक आता है और वहां भी सोल्जर्स उसके आगे नहीं टिक पाते और गुआन देखता है कि हेवन के शिप्स नीचे गिरने लगे हैं। सोल्जर्स मंकी किंग पर अपने तीरों से अटैक करते हैं, लेकिन वो भी उसकी डिवाइन शील्ड को नहीं भेद पाते और मंकी किंग अपनी स्टिक से उनके अटैक को रिवर्स कर देता है। उनमें से एक तीर गुआन की तरफ भी आता है और वो देखता है कि मंकी किंग को रोकना मुश्किल हो रहा है। एंड सीन में हम तीन शिप्स को उसे घेरते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।